नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 अक्टूबर को होने वाले चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए ईसी ने जारी किए दिशा निर्देश। दूसरे डोज के वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस तरह लोगों को कर रहा है जागरूक। अब इस दिन होगा राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह पहुंचे सासाराम। झारखंड को जोड़ने की शुरू हुई बड़ी पहल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 20 अक्टूबर को होने वाले चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए ईसी ने जारी किए दिशा निर्देश। आगामी 20 अक्टूबर को बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान होने वाला है, जिसको लेकर ईसी ने अभी से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान साफ शब्दों में अनुमति वाले प्रचार वाहनों के लिए निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के दिन बिना अनुमति वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़ी सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसरों में स्थित काउंटरों पर संपर्क किए जा सकते हैं। आपको बता दें, चौथे चरण की पंचायत चुनाव के तहत 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होने वाले हैं। अब व्हाट्सएप पर दे सकते हैं बिजली चोरी की सूचना। अक्सर बिजली चोरी की खबरें बिहार के कोने कोने से सामने आती रहती है। ऐसे में बिजली विभाग भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में अब विभाग ने बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए नया रास्ता निकाला है। अब बिजली कंपनी ने चोरी रोकने के लिए आम लोगों का सहयोग लेने का फैसला किया है और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिजली चोरी के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। कंपनी ने अपील की है कि बिजली चोरी की सूचना टोल फ्री नंबर 1912 और व्हाट्सएप नंबर 7033355555 पर दे। पेसू महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। विसर्जन और लंका दहन के साथ दशहरा का हुआ समापन। बीते दिन दुर्गा माँ की मूर्ति विसर्जन के साथ और कालिदास रंगालय में आयोजित लंका दहन के साथ ही दशहरे का समापन हो गया। इस बार माँ दुर्गा केवल 8 दिनों के लिए ही आई थी, जिसके बाद 9वें दिन दशहरा का आयोजन करवाया गया। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन पंडाल लगाए गए थे, जिसके कारण लोगों की भीड़ शाम होते होते अष्टमी और नवमी को खासकर देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी, जिसके कारण किसी भी तरीके से हताहत होने की कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। इसके साथ ही विसर्जन के दौरान भी प्रशासन ने पहले से ही नियमों को लागू कर दिया था, जिसके बाद सभी पंडाल वालों ने मूर्ति का विसर्जन नियमानुसार किया और बीते दिन ही नमाखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई। अब इस दिन होगा राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव की तरफ से जारी सूचना का हवाला देते हुए सूचना पदाधिकारी डॉक्टर कुमार राजवर्धन ने साफ तौर पर कहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यालय से जानकारी मिली है कि दिल्ली में 8 नवंबर को कुछ आवश्यक कार्य है, जिसके बाद कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने उपराष्ट्रपति से 7 नवंबर को आने का आग्रह किया है। यानी कि डॉक्टर प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह 8 नवंबर की जगह अब 7 नवंबर को होगा। यात्रियों को अब इन स्टेशनों से ट्रेन पकड़ना होगा और महंगा। बिहारवासियों का अब ट्रेन का सफर और ज्यादा खर्चीला होने वाला है, क्योंकि रेलवे बिहार के कई स्टेशनों को विकसित कर विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टेशन के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने हैं और खर्च होने वाली राशि रेलवे की योजना अनुसार रेल यात्रियों से वसूली जाएगी। इसके लिए स्टेशनों से यात्रा शुरू और खत्म करने वाले यात्रियों से यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा, जिसके तहत गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बरौनी और दरभंगा स्टेशन को रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत विकसित किया जाना है। 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह पहुंचे सासाराम। 65वीं बीपीएससी परीक्षा के टॉपर गौरव सिंह बीते दिन सासाराम पहुंचे, जहां पर गांव वालों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। ज्ञात हो कि बीपीएससी का रिजल्ट गत 7 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था, उस समय गौरव पुणे में थे। उन्हें 10 अक्टूबर को यूपीएससी की पीटी परीक्षा में शामिल होना था। पीटी में शामिल होने के बाद गौरव वाराणसी पहुंचे, जहां पर सड़क मार्ग से आज अपने गांव पहुंचे। आपको बता दें कि गौरव सिंह के स्वागत के लिए रास्ते में गांव वालों ने तोरण द्वार बना रखे थे। गांव पहुंचने पर घर में मां बहनों द्वारा से उनका स्वागत किया गया। बिहार में बारिश बिजली चमकने को लेकर जताई गई संभावना। जहां एक तरफ बिहारवासी इस बात से संतुष्ट थे कि बिहार में मॉनसून ने अलविदा कह दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बारिश का सिलसिला शनिवार को एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसके तहत आज सुपौल, अररिया,
किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के 12 हिस्से में बारिश के आसार है। वहीं 18 अक्टूबर को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में अनेक स्थानों पर बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। नवादा पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। बीते दिन नवादा में जंगली हाथियों का झुंड गांव की तरफ आते देखा गया है। जिले के रजौली प्रखंड के रतनपुर गांव की तरफ ये हाथी बढ़ते देखे गए हैं, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल हाथियों का जो झुंड आया है वो गाँव से ही सटे जंगल में उत्पात मचा रहा है। ऐसे में इन हाथियों ने कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी और डीएम को दे दी है। वन विभाग कर्मचारी राजकुमार पासवान ने कहा है कि हाथियों द्वारा अभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, वापस उन्हें जंगल में भेजने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बाबत वन विभाग कर्मचारी राजकुमार पासवान ने बताया कि हाथियों ने इससे पहले सीमावर्ती क्षेत्र झारखंड के कोडरमा जिले के कुशहणा गांव में कई घरों को क्षति पहुंचाया था। अभी हाथियों का झुंड रजौली के रतनपुर गांव में तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। मुश्ताक अली T20 के लिए ट्रायल मैच आज से होगी शुरू। बिहार की टीम का जल्द ही चयन होने वाला है, जिसके तहत मुश्ताक अली T20 के ट्रायल मैच का आयोजन आज करवाया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर बिहार की टीम का चयन होगा और यही टीम बिहार का प्रतिनिधित्व करके मुश्ताक अली T20 के लिए चुनी जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर स्टार रणजी क्रिकेटर के साथ युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार क्रिकेट संघ की तरफ से इसके ट्रायल मैचों के लिए 5 टीमों का चयन किया गया है, जिसके मुकाबले आज से मोनिहुलक स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच सुबह 9 बजे से बिहार सनराइजर और बिहार कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से बिहार सुपर किंग्स और बिहार राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। जेईई एडवांस 2021 का रिजल्ट हुआ जारी। जेईई एडवांस 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब उम्मीदवार आसानी से आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह परीक्षा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा आयोजित करवाई गई थी। स्टूडेंट अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ज्ञात हो जेईई एडवांस 2021 को क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को 3 विषय भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में से प्रत्येक में न्यूनतम 10% स्कोर करना होगा। इसके साथ साथ तीनों में मिलाकर कुल 35% स्कोर करना होगा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरा गांव निवासी कंप्यूटर इंजीनियर सियाराम सिंह के बड़े बेटे ने जेईई एडवांस की प्रवेश परीक्षा में परचम लहराया है, जिसके तहत अर्णव आदित्य सिंह ने जेईई एडवांस में पूरे देश में 9वां रैंक हासिल किया है। वहीं मृदुल अग्रवाल ऑल इंडिया टॉपर रहे। बिहार के राजधानी पटना में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अगर आप कभी भी राजधानी पटना घूमने के लिहाज से जाते हैं तो आपको इन जगहों का भ्रमण जरूर करना चाहिए। गंगा नदी के किनारे बसा पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में इसे पाटलिपुत्र के रूप से जाना जाता है। इस शहर के सबसे पुराने बसे शहरों में से ये एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है, क्योंकि इनके अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। पटना में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिहार संग्रहालय, गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी मंदिर, अगमकुआं, कुम्हरार, किला हाउस, शहीद स्मारक आदि प्रमुख स्थल है। जवान के अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचा पूरा गांव। बिहार के आंती गांव के कमलेश चंद्रवंशी के छोटे पुत्र रंजन कुमार चंद्रवंशी RPSF के कांस्टेबल पद पर आनंद विहार दिल्ली में पदस्थापित है। रंजन कुमार चंद्रवंशी बुधवार की रात्रि आनंद विहार में अपने साथी के साथ पेट्रोलिंग में तैनात थे। इसी क्रम में अप डाउन दोनों साइड से ट्रेन आ रही थी। अपने साथी को बचाने के क्रम में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की वो चपेट में आ गए, जिससे दोनों की जान चली गई। जिसके बाद ही बीते दिन जवान का शरीर उनके गृह जिले पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर जो है रफीगंज पहुंचने की सूचना मिलते ही रफीगंज स्टेशन पर समाजसेवी, RPF, रेलवे कर्मी, नगरवासी, ग्रामवासी की नम आंखों के साथ माल्यार्पण कर उन्हें अंतिम विदाई दी। झारखंड को जोड़ने के लिए शुरू हुई बड़ी पहल। बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए बड़ी पहल की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत 200 करोड़ की लागत से दोनों प्रदेश को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। झारखंड को बिहार से जोड़ने के लिए सोन नदी पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा, जिसके तहत गढ़वा के श्रीनगर और रोहतास के नौहट्टा को जोड़ने के लिए सोन नदी पर 2 साल में पुल का निर्माण किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले श्रीनगर पंडुका पुल निर्माण को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस साल के शुरुआत में ही मंजूरी दे दी थी। सरकार की तरफ से अब जाकर पुल निर्माण का टेंडर निकाला गया है। इस पुल के बन जाने से गढ़वा से बिहार जाना या फिर बिहार से गढ़वा आना काफी ज्यादा आसान और सुगम हो जाएगा।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में भगवान राम के कोविड 19 का दहन करने के मौके पर कही अहम बात। बीते दिन राजधानी पटना के कालिदास रंगालय में सांकेतिक तौर पर रावण के पुतले के साथ कोविड 19 का भी दहन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोविड 19 दहन के संदेश यही मिलता है कि कोविड 19 का वध जरूरी है, इसके लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। यही कारण है कि बिहार सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग आगे बढ़कर टीका जरूर लगवाए। कोविड 19 से निजात पाने का तरीका टीका ही है। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना जांच और टीकाकरण करवाया जा रहा है। ये लोगों से ज्यादा टीका ले, इस बात की उम्मीद भी की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी महानगरीय सुविधा। दरभंगा एयरपोर्ट अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज कर चुका है। वहीं अब यह एयरपोर्ट एक बार फिर से चर्चा का पात्र बन गया है, क्योंकि अब इस एयरपोर्ट पर यात्रियों को महानगरीय सुविधा मिलेगी। सर्दी गर्मी और बारिश के मौसम में भी विमानों का आवागमन होगा। रात में विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 24 एकड़ भूमि में ILS लगेगा। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण राशि स्वीकृत होने से यात्रियों में नई आस बनी है। इसके साथ ही NH 57 से सटे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किनारे रानीपुर गांव में नवनिर्माण होगा। नए सिविल एनक्लेव बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में हवाई यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बिहार में कोविड 19 के मिले 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 45 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो ईस्ट चंपारण में 1, पटना में 2, समस्तीपुर में 1 और सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी अन्य जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 90,826 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट गए। के छात्रों को शुभम कुमार और अन्य टॉपर्स बताएंगे IAS की कैसे करें तैयारी। जल्द ही पटना में टॉपरों की जमघट होने वाली है। ये टॉपर छात्रों को बताएंगे कि तैयारी कैसे करें और UPSC जैसी परीक्षा को पास कैसे करें। जिसके तहत सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर शुभम कुमार और अन्य टॉपर सेमिनार के माध्यम से सफलता की रणनीति अभ्यर्थियों के साथ साझा करेंगे। इसको लेकर 17 अक्टूबर को दिन के 10 बजे दरोगा प्रसाद रॉय सभागार में एक ओपन सेमिनार रखा गया है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को शुभम कुमार के अलावा रैंक 7 प्रवीण कुमार, रैंक 55 उत्कर्ष कुमार, रैंक 226 आशीष, रैंक 431 अमित रंजन और रैंक 527 जया स्नेह संबोधित करने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर रचा इतिहास। बीते दिन कोलकाता के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने अपना परचम लहराया है और इतिहास रच दिया, जिसके बाद चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिया था। हालांकि शुरुआत में तो कोलकाता की टीम रनों पर नियंत्रित करती नजर आई, लेकिन 90 पार होने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और चेन्नई की टीम ने 27 रनों से शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इस जीत में डुप्लेसी की भूमिका काफी अहम रही। उन्होंने 86 रनों की शानदार पारी खेली। सबसे शानदार बात यह थी कि डुप्लेसी बीते दिन अपना 100वां IPL मुकाबला खेल रहे थे, इसके साथ ही शानदार पारी उन्होंने खेली। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कई विकेट अपने नाम दर्ज किए, जिसके बाद लगातार 4थी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने यह जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर लालू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है और उसको लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। यही कारण है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। ज्ञात हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 116वें देशों की संख्या में भारत को 101वां स्थान मिला है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के नीचे पायदान पर खिसकने को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपना ट्वीट जारी कर कहा कि सरकार की नीतियां गरीब विरोधी है, इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है। साथ ही लालू ने लोगों से अपील की है कि इस बार दशहरा पर भूख जलाए। NDA को महागठबंधन में फूट से जगी आस। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव का आयोजन होने वाला है और इस सीट पर किसकी जीत होगी इसको लेकर अभी से ही तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसी बीच महागठबंधन में आई फूट के बाद NDA को काफी उम्मीद जागी है, क्योंकि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस और राजद दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों को अलग अलग उतारा है। ऐसे में वोट का बंटना तय माना जा रहा है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता निखिलानंद ने कहा है कि पिछले साल हुए चुनाव में दोनों सीटों पर जदयू के प्रत्याशी की विजय हुई थी और इस उपचुनाव में भी परिणाम वैसे ही होंगे। महागठबंधन का सवाल है तो दोनों पार्टी कांग्रेस और राजद अलग अलग हो चुकी है, ऐसे में उनका जीतना नामुमकिन है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत चुनाव में भी नहीं लड़ सकते उन्हें प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, अब बिहार की जनता ऐसे लोगों को नहीं जिताएगी।
लालू के लाल ने फिर बताई एक और वरिष्ठ नेता की जगह। लालू के लाल तेज प्रताप यादव भले ही वर्तमान समय में हाशिए पर हो, लेकिन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आए। जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनकी जगह दिखाने से पीछे नहीं हटने वाले तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से राजद के वरिष्ठ नेता को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी रामा सिंह के पिता की नहीं है, ऐसे लोग राजद में आए और चले गए हैं। अब की जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्टी नेता रामा सिंह के ये कहने पर कि तेज प्रताप रहे या फर्क नहीं पड़ता, इस पर ही तेज प्रताप यादव ने यह पलटवार किया है। कांग्रेस ने बिहार उपचुनाव के लिए रंजीत रंजन को दी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने बिहार उपचुनाव के लिए रंजीत रंजन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के उपचुनाव का आयोजन होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह अहम बदलाव किया है। कांग्रेस के गलियारे से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों पर अपनी गतिविधि तेज कर दी गई है। तारापुर के लिए चंदन यादव को प्रेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुशेश्वर स्थान से रंजीत रंजन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोनों सीट पर यादव वोट बैंक को देखते हुए चंदन यादव और रंजीत रंजन को पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाया गया है। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन के लिए काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों को लेकर खटपट शुरू से ही है। दोनों ही पार्टियों ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सलीम परवेज को राजद से हुआ मोहभंग, इस पार्टी का थामेंगे हाथ। बीते दिन बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम परवेज ने राजद को छोड़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब वो जदयू का दामन थामने वाले हैं। जिसके बाद राजद के पूर्व MLC सलीम परवेज 17 अक्टूबर को जदयू ज्वाइन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सलीम परवेज राजद में बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। ऐसे में उपचुनाव के एन वक्त पर पार्टी छोड़ने से राजद को काफी नुकसान हो सकता है। ज्ञात हो सलीम परवेज ने शहाबुद्दीन और उनके परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दिया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल की खाड़ी में 1942 को आए चक्रवाती तूफान से 40,000 लोगों की जान गई थी। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक विजेता, डोपिंग टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत की सुनीता रानी का पदक 2002 में छीना गया। भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने 2011 को सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म 1948 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन 1994 में आज ही के दिन हुआ था। दूसरे डोज की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस तरह लोगों को कर रहा है जागरूक। बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन वैक्सीन लेने वालों के आंकड़े भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पहले डोज लेने वालों की संख्या तो संतोषजनक है, लेकिन दूसरे डोज लेने वालों की संख्या परेशान करने वाली है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अब नए अंदाज में लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में अब तक 6,13,97,974 वैक्सीनेशन हुए हैं, जिनमें 4,70,28,483 पहले डोज का वैक्सीनेशन और 1,41,69,491 दूसरे डोज की वैक्सीन लगाए गए हैं। यही कारण है कि कोरोना टीकाकरण में दोनों डोज के महत्व को समझाने के लिए एक अधूरा दो से पूरा की थीम पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही ये जंग जीती जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, मुकेश कुमार, डीएन सिंह, अरुण मंडल, रंजीत पोदार, ब्यूटी कुमारी, अमरजीत कुमार, कविता कुमारी, सुमित रंजन, पंकज कुमार, कुमार आशीष, मुकेश विश्वास, मोहम्मद बादशाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में किस खिलाड़ी की भूमिका सबसे अहम रही? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।